गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे टेम्परेचर चेंज करने से फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। एग्जांपल हमने देखा था कि आइस है, आइस को अगर हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो पानी बन जाता है ना, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो पानी बना है उसको फिर से हीट करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या बन जाता है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स वाटर वेपर्स बन जाते हैं उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हो रही है। अब आज हम देखेंगे कि प्रेशर चेंज करने से क्या होता है, क्या प्रेशर चेंज करने से फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो आंसर है बिल्कुल होती है। प्रेशर चेंज करेंगे तो फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, देखिए आपने प्रेशर लगाया, सपोज़ आपने प्रेशर लगाया तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, यानी कि उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ गया तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, गैसियस जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, यही तो बोलते हैं ना कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड। तो जब आप उस गैस के पार्टिकल्स, गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे। अब जब वो पास पास आ गया तो स्पेस कम हो गया, स्पेस कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो क्या वो गैस के जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर लिक्विड पे आप प्रेशर लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट, लिक्विड में प्रेशर भी लगा रहे हैं और टेम्परेचर भी कम कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक लिक्विड है, आप अगर हीट दे रहे हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप कूल कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हैं और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल है, बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन वाटर वेपर वी कैन कंडेंस देम टू लिक्विड। बिल्कुल सही बात है कि हम अगर वाटर वेपर पे प्रेशर लगाते हैं तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पर और ज़्यादा प्रेशर, जो लिक्विड बना है उन पर अगर फर्दर प्रेशर लगाते जाएंगे तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि प्रेशर लगा चेंज करने से भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। सिर्फ टेम्परेचर पे ही फिजिकल स्टेट मतलब डिपेंड नहीं करेगी चेंज होना, ठीक है। तो आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 या ड्राई आइस का नाम सुना होगा। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वैसे तो गैस है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको क्या कर, प्रेशर, उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फर्दर लिक्विड में प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर कम करके आप उस लिक्विड CO2 को सॉलिड CO2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो ड्राई आइस होती है, ये पीस ऑफ पेपर, अगर कोई पीस ऑफ पेपर है उसको वेट नहीं करती। इट लुक्स लाइक आइस, ये आइस की तरह दिखती है बट डजंट वेट अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन एक कोई पेपर है उसको ऐसा गीला नहीं करेगी ये, ठीक है। तभी तो इसका नाम क्या है, ड्राई आइस है, ठीक है। और ड्राई आइस इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट अंडर द नेम ड्राई कोल्ड। तो ड्राई आइस को रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। किसके नाम क्या है उसका, ड्राई आइस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, ड्राई कोल्ड। वहाँ पे कोल्ड की स्पेलिंग क्या है, KOLD, ओके। तो ये छोटी सी बात थी इफेक्ट ऑफ टाइम चेंज ऑफ प्रेशर में। तो आप इसे देख लेना कि प्रेशर चेंज करने से भी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। गैस पे प्रेशर लगाएंगे वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में अगर प्रेशर लगा रहे हैं और टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखा, सॉलिड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो आपको जो नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो वो गैस फॉर्म में होता है, लेकिन प्रेशर लगा के उसको टेम्परेचर कम करके उसको हमने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया और ड्राई आइस उसका नाम रख दिया। अब नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए तीन स्केल पड़ते हैं, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपकी बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। और अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काम आएंगे। जैसे पहला फार्मूला है
डिग्री सेल्सियस आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, या फिर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यानी कि डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, 5/9 ब्रैकेट फ़ारेनहाइट माइनस 32। ठीक है, सपोज़ आपको मैंने दे दिया कि 60 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, तो आप एफ़ की जगह 60 रख के सॉल्व कर देंगे, मैथ्स कैलकुलेशन। अब केल्विन, अब सेल्सियस में दिया हुआ है, पूछ रहे हैं केल्विन में, तो आप क्या करेंगे, जो सेल्सियस में दिया हुआ है उसमें 273.16 ऐड कर देंगे। जनरली हम क्या करते हैं, ये 0.16 को नेगलेक्ट कर देते हैं, बस 273 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब केल्विन में पूछा है, ये तो हो गया कन्वीनियंस के लिए, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसने कहा है कि केल्विन में कन्वर्ट करें और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है इसमें 273 ऐड कर देंगे, यानी कि क्या बन गया, 25 + 273 298 केल्विन आंसर आ जाएगा। और अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो रीअरेंज इस फॉर्मूले को, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 एफ माइनस 32, इसको रीअरेंज कर देंगे ना, 9 उधर चला जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस की जगह 25 रख देंगे तो फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो बॉडी टेम्परेचर, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, उसको आप कन्वर्ट करके देखना, उसको आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो चेक करना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है या नहीं आता। ओके,